अरे प्लीज मेरे बच्चे को पकड़ लो, मेरे पीछे पुलिस लगी है। अरे प्लीज भाई सुन, तूने यहाँ से किसी लड़की को भागते हुए देखा है? एक बच्चा था उसके हाथ में। नहीं सर, मैंने नहीं देखा। ठीक है जा। कहाँ चलेगी अब ये, आएगी भी या नहीं आएगी? हाँ भाई, क्या क्या तेरी मम्मा ने जो पुलिस उसके पीछे लगी है? आएगी मम्मा, आएगी आएगी, आ रही आ रही। बस बस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मेरी मदद की। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पीछे पुलिस क्यों लगी हुई है? वो मैंने चोरी की थी इसलिए। चोरी? क्या चोरी की और क्यों की थी? मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी थी और मेरे पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे चोरी करना पड़ा। इसमें चोरी करने की क्या जरूरत थी? बच्चे के लिए तो किसी से भी मांगते, वो ऐसे ही दे देते तुम्हें। भैया अगर दे देते तो मैं चोरी क्यों करती? अब कहाँ जाओगी, पुलिस तुम्हारे पीछे लगी है और पुलिस ने पकड़ लिया और तुम्हें जेल ले गई, तो इसका क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, अब सब भगवान के हाथ में है। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा वहीं रहने का और काम का जुगाड़ कर दूंगा। हमें एक काम वाले की जरूरत है, तो तुम वहाँ काम कर लेना और वहीं रह लेना। सच भैया? हाँ सच, चलो मेरे साथ। आओ, आज अंदर आओ। संजू, ये बच्चा कौन है? ये औरत? सौरा, ये ना मुसीबत में थी, इसके पीछे पुलिस लगी हुई है, तो मैं इसे घर ले आया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर पुलिस यहाँ पे आ गई तो तुम क्या करोगे? हाँ सौरा, मेरी नज़रों में इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसने जो भी किया अपने बच्चे के लिए चुराया। अरे तो चुराया ही क्यों है, कमा के खिला नहीं सकते क्या अपने बच्चे को? तुम कमा के खिलाए, इसलिए तो मैं इसे घर लेके आया हूँ, ताकि ये यहाँ रह के साफ सफाई का काम कर ले और अपने बच्चे का पेट पाल ले। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं किसी चोर को अपने घर में नहीं रहने दूंगी, समझे? सौरा प्लीज समझो, तुम भी एक बच्चे की माँ हो, कम से कम इस बच्चे के लिए इसकी मदद कर दो। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं ये सिर्फ इस बच्चे के लिए कर रही हूँ। थैंक यू सौरा। अब बच के कहाँ भागेगी? पुलिस से बच के कोई नहीं जा सकता, चलो। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कोई चोरी नहीं करूंगी और अब तो मुझे काम भी मिल गया इस घर में, मैं अच्छे से काम करूंगी। ये चीज ना पुलिस स्टेशन में जाके बताइए, चल मेरे साथ। सर प्लीज छोड़ दीजिए ना बेचारी को। बेचारी? और ये मेरी नजर में ना एक मुजरिम है, एक चोर है। चोर को बचाने के जुर्म में ना तुझे भी गिरफ्तार कर सकता हूँ, इसलिए चुपचाप खड़ा रहे। मैडम तुम चलो। भैया मेरे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखिएगा, अपना बच्चा समझकर। एक मिनट रुको, अब सच सच बताओ तुमने उस दुकान से चोरी क्या किया था? साहब दूध। दूध? हाँ साहब, मेरे बच्चों को बहुत तेज भूख लगी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं दूध खरीद सकूं, तो मैंने दुकानदार से मांगा पर उन्होंने साफ मना कर दिया कि बिना पैसे के दूध नहीं दे सकते। मजबूरन मुझे चोरी करनी पड़ी क्योंकि मैं अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकी। मैं कोई चोर नहीं हूँ साहब। मेरी ड्यूटी कहती है कि मुझे तुम्हें जेल ले जाना चाहिए, लेकिन इंसानियत कहती है कि मुझे उस बच्चे के लिए तुम्हें छोड़ देना चाहिए। तुम्हारी गलती की सजा इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि माँ को उसके बच्चे से दूर कर दूँ। तुम जाओ। सर साहब। हाँ हाँ, लेकिन अगली बार ये गलती बिल्कुल मत करना।
कभी नहीं साहब, अब तो हमें काम भी मिल गया ना, तो हम काम अच्छे से करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जाओ। तुम? हाँ भैया, उन्होंने इंसानियत दिखाई और मुझे एक और मौका दिया है। चलो बैठो तुम। सौरभ, इसको सुला दो।